चलिए हम अपने 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए, 1 टेबलस्पून इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ है ये बिल्कुल। 1 टेबलस्पून इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, ये भी बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है। 1 टेबलस्पून इसमें गाजर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें प्याज ऐड करेंगे, और ये हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली हैं छोटी वाली, ये ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे, इसका दरमियान में से निकाल लेंगे साइड से इस तरह से कट्स करके। इस तरह से हम ये सारे स्लाइसेस अपने इस तरह से कट कर लेंगे। अभी मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने स्लाइसेस रखते हैं, इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और ये आप इतना डालेंगे कि इसके ऊपर हम जो इसका बाकी का अंदर का कटा हुआ स्लाइस है ये उसके ऊपर रख सकें। अब इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब मैं इस पर थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज़ लगा रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है। अब हम इसके ऊपर अपना ये जो हमारा ब्रेड का दरमियान का स्लाइस कटा हुआ था ये रखेंगे। और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए हमारा ये कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसको हम दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। चलिए देखिए हमारे 10 मिनट ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।